उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश शेमवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 26 दिसंबर गुरुवार को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह ग्रहण पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस तिथि धनु राशि व मूल नक्षत्र में पड़ रहा है। इस ग्रहण का समय भारत में प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। हरिद्वार में प्रातः 8:20 पर स्पर्श करेगा। परम ग्रास 10:48 प्रातः ग्रहण समाप्त 1:36 पर होगा। इस ग्रहण का इस बार 58 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है जो घंटे और मिनट के अंतराल के हैं। आचार्य सेमवाल ने बताया कि कंकन की कुल अवधि 3:34 की है। यह योग 26 दिसंबर को 58 वर्ष बाद बन रहा है। यह सूर्य ग्रहण ग्रहों की स्थिति के अनुसार पिछले कई वर्ष दशकों में सूर्य ग्रहण से भिन्न है। ग्रहण के समय 6 ग्रह सूर्य चंद्रमा शनि गुरु और बुध की युक्ति केतु के साथ होगी। धनु राशि में इससे पहले 5 फरवरी 1962 के सूर्य ग्रहण के समय मकर राशि में सभी 7 ग्रह केतु के साथ उपस्थित थे। उस ग्रहण के प्रभाव से उस वर्ष भारत को चीन का आक्रमण झेलना पड़ा था। करीब 58 साल बाद यह योग आया है। प्राकृतिक आपदा भूकंप का योग है। उड़ीसा उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तराखंड बंगाल में ज्यादा असर रहेगा। सावधानी अनिवार्य है। धनु राशि के लिए खराब मेष राशि परेशानी वृष शत्रु कष्ट रोग चिंता खर्चा कन्या अच्छा तुला धन लाभ वृश्चिक धन राश हानि धनु चोट मकर धन हानि कुंभ लाभ मीन रोग कष्ट का रोग। आचार्य सेमवाल ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। केटी लाइव न्यूज के लिए जनपद हरिद्वार से ब्रह्मानंद चौधरी की रिपोर्ट। 2019 बृहस्पतिवार को सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण के ग्रह योग 58 वर्षों के बाद ऐसे योग बन रहे हैं जो भारत में ये ग्रहण हो रहा है। 58 वर्ष के बाद ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जैसे भारत चीन युद्ध के समय बने थे। तो ये सूर्य ग्रहण रविवार अमावस्थिति पौष कृष्ण पक्ष के दिन बृहस्पतिवार को हो रहा है। ये धनुराशि मूल नक्षत्र पे हो रहा है। इस ग्रहण से प्राकृतिक आपदाएं और बहुत सारे राजनीतिक विध्वंसात्मक कार्य भारत के पश्चिम क्षेत्र में होंगे, विशेषकर बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा उत्तराखंड के लिए और दिल्ली के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। और देश में उपद्रव हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप का योग है। केंद्र सरकार के लिए भी ये अशुभ कारक रहने वाला है, विशेष करके व्यापारियों के लिए धर्मगुरुओं के लिए डॉक्टरों के लिए ये ग्रहण ठीक नहीं है। पाकिस्तान जापान अमेरिका चीन अफगानिस्तान में भी भूकंप आ सकते हैं, तनाव हो सकता है, भारत की विदेश नीति पर खतरा हो सकता है, विवादित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये ग्रहण का असर 6 महीने तक रहेगा। केंद्र सरकार को 6 महीने तक सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि 1962 के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही ये ग्रहण हो रहा है। 1962 में 7 ग्रह मकर राशि पे थे, वर्तमान में 26 दिसंबर 2019 को 6 ग्रह